तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा ज़िनी और लिन माचिन दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही जुआन ने पिछली रात को ज़िनी को कुछ टेक्निक ब्रेक करने के मूव्स बता दिए थे। और वह जैसे ही यहाँ पर फाइट शुरू होती है वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तगड़ी टक्कर देते हैं। ज़िनी जैसे ही यहाँ पर अपनी एक ट्रिक का यूज करती है, लिन माचिन को उससे निकलने में ज्यादा देर नहीं लगती। यहाँ तक की वो तो ये भी कहता है की तुमने इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ की ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर लिन माचिन यहाँ पर एक मूव का आसानी के साथ में सामना कर लेती है। ज़िनी तो थोड़े ही देर में इससे दूर भी हो जाती है। वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं इस बार लिन माचिन को कोई ऐसा मिला है जो कि उसके स्वॉर्ड मूव को भी ब्लॉक कर सकता है, और आज के इस मैच में ज़िनी ने ऐसा 3 बार कर दिया था, इसीलिए हो सकता है कि ये मैच पूरी तरीके से पलट जाए। लेकिन ज़िनी को भी यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स आती थी, और अब वो दोनों ही फाइटर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हेडमास्टर यहाँ पर मास्टर किंग से कहते हैं कि आज लग रहा है जैसे कि दो जीनियस एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक ऐसी बेहतरीन फाइट जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मास्टर किंग कहते हैं कि अगर ये कोई गलती ना करे तो ये फाइट काफी लंबी चलने वाली है। इसके बाद अरपाई ज़िनी कहती है कि इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और फिर अब लिन माचिन कहता है कि चलो इसे देख लेते हैं, जिसके बाद अब वो भागते हुए अपनी एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन ज़िनी फिर से इस मूव का सामना करके इसे रोक लेती है, और वो कहती है कि तुम चाहे इसका 1000 बार इस्तेमाल करो या 10,000 बार तुम्हें रिजल्ट इसका एक जैसा ही मिलेगा, और हमारे नियमों के हिसाब से कोई भी स्पॉटमैन बीच बैटल में से भाग नहीं सकता। जिसके बाद अब लिन माचिन दोबारा से अपने एक मूव के साथ में ज़िनी की तरफ बढ़ने लगता है, और ज़िनी को लगता है कि वो इसे भी ब्लॉक कर देगी। लेकिन अब इस बार लिन माचिन आसमान में उड़कर अपने इस टेक्निक की मदद से 3 स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, और ऐसा देख कर वहाँ पर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि ये तो एक किलर मूव है बेट और लिन की। प्रोफेसर सोचने लगते है की लिन माचिन ने तो इसे एक रात में ही सुप्रीम लेवल तक सीख लिया, अब देखना ये मेरे इस क्रैक्ट वर्जन को क्रैक क्यों नहीं कर पाए। ज़िनी यहाँ पर लिन माचिन से कहती है कि तुमने यहाँ पर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो कोई बेसिक स्पॉटमैन टेक्निक नहीं थी जिसका इस्तेमाल तुम हर बार कर रहे थे, तो आखिर तुमने स्पॉटमैनशिप की किस टेक्निक का लास्ट में यूज किया था? क्योंकि मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है, और इसे तोड़ा कैसे जाता है मुझे ये भी नहीं पता। तो लिन माचिन ज़िनी से कहता है की तुमने तुम उससे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या बनने के नाटक करती हो? क्योंकि मैंने अपने उन तीनों स्पॉटमैनशिप की टेक्निक को यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी 4th कंपनी का यूज किया। ज़िनी कहती है कि क्या वो स्पॉटमैनशिप की 3 स्प्रिंग और 4th कंपनी थी? और इस चीज को देखकर जुआन भी काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि कहीं लिन माचिन ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली थी। वहाँ पर खड़े हुए जुआन के साथ ही कहते हैं कि ये तो स्पॉटमैनशिप का बॉस निकला। लेकिन जुआन इस बात को जानकर हैरान था कि यहाँ पर 4th कंपनी जैसी टेक्निक कैसे आ सकती है, और लिन माचिन को इसके बारे में कौन सिखा सकता है? उसके पास तो 3 कंपनी भी नहीं थी। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को ज़िनी और लिन माचिन की फाइट यहाँ पर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।